प्राण प्रतिष्ठा का सारा विधान वैदिक पद्धति से होना है और इसके लिए यहाँ के सारे महंतों की बैठक करने के पश्चात हम लोग काशी गए थे, क्योंकि उस समय काशी में कांची कामकोटी पीठ के श्री शंकराचार्य जी महाराज का निवास था, तो उनका मार्गदर्शन लेने हेतु हम पहुँचे और उनके निर्देशन में हम लोगों ने इस संपूर्ण वैदिक कर्मकांड के लिए काशी के सुविख्यात आचार्य, जिनका नाम पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित है, उनको नियुक्त किया। उनके साथ साथ इसके सर्वेक्षण के लिए, सुपरविजन के लिए पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी रहेंगे और यह सारा कार्य आरंभ होने वाला है 17 जनवरी को। कार्य का आरंभ तो 18 जनवरी को होगा, लेकिन 17 जनवरी को भगवान श्री रामलला को उनके स्थान से पधराया जाएगा समारोह के साथ मंदिर में, और दूसरे दिन प्रातः काल से पूजा का विधान आरंभ होगा। ये विधान 5 दिनों तक चलेगा। लगभग 150 से 200 तक विद्वान ब्राह्मण इसमें सहभागी होने वाले हैं और हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि इस विधि में, चूँकि यह संपूर्ण राष्ट्र का कार्य है, इसलिए हर प्रांत के वैदिक होने चाहिए। वेद की जितनी शाखाएं हैं उन सारी शाखाओं के विद्वान उसमें आने चाहिए, और उसी प्रकार निमंत्रण की व्यवस्था की गई है। और यह कार्य 18 जनवरी को आरंभ होगा और 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे के पश्चात अभिजित मुहूर्त में इसका विधान पूर्ण होगा। वह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के कर कमलों से होगा। महाराज जी, प्राण जगत खेल जगत, ऐसे में देश के विराट कोहली हुए, अमिताभ बच्चन को भी निमंत्रण? मुझे केवल साधु संतों के बारे में जानकारी है। ट्रस्ट निमंत्रण केवल साधु महात्माओं को दे रहा है, अन्य लोगों को निमंत्रण देने का काम ट्रस्ट का नहीं है। वह काम योगी जी महाराज, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता है वे करने वाले हैं। इसलिए मुझे इतना ही पता है और इतना ही ट्रस्ट को सौंपा हुआ काम है कि हम साधु महात्माओं की सभी प्रकार की जो प्रणालियां हैं, सभी प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, सभी प्रकार की गुरु परंपराएं हैं, उन सबको निमंत्रित करेंगे। साधु महात्माओं को निमंत्रित करना यह हमारा काम है, बाकी लोगों को निमंत्रित करना ये न्यास का काम नहीं है। महाराज जी, जो प्राण प्रतिष्ठा, तैयार हो गया है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
जिसको लेकर के ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। भगवान राम लला के मंदिर परिसर में 18 तारीख से एक विशेष अनुष्ठान चलेगा जो 22 जनवरी तक चलेगा। भगवान राम लला दोपहर 12 बजकर मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान होंगे, जिसको लेकर के ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। 150 वैदिक ब्राह्मण होंगे जो भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, जिसको लेकर के बेहद खास तैयारी की जा रही है। और जिस तरीके से भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है, 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री इसके साक्षी होंगे, भगवान रामलला विराजमान होंगे, 500 वर्षों का जो लंबा संघर्ष है वो खत्म होगा और आराध्य के दर्शन को जो राम भक्त बाहें फैलाकर लालायित हैं वो आने वाले दिनों में भगवान रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।